मैं छठी कक्षा में मैथ का सब्जेक्ट उन्हें पढ़ाती हूँ। मैं छठी कक्षा में जब फोन या प्रकरण बच्चों को समझाने जा रही थी तो पहले बच्चों को फोन के बारे में जो संकल्पना है वो उनके सामने लाना मुझे जरूरी समझा। तो मैंने पहले बोर्ड पर एक शीर्ष लिया और उस शीर्ष से मैंने एक किरण बनाया। जो किरण है वो बराबर बोर्ड के समान अंतर पर मैंने बच्चों को निकालना सिखाया। और बाद में जो दूसरा किरण है तो वह किरण है वह उस रेखा से ऊपरी भाग में मैंने उस मत जो शुरू का शीर्ष था मुख्य शीर्ष उससे मैंने दूसरा किरण बनाया। और बच्चों को किरण के बारे में मैंने बताया जो किरण होता है वह जिस प्रकार सूरज का किरण होता है सूरज हमें मुख्य शीर्ष मुख्य शुरू के शीर्ष से निकालकर फिर बाद में नीचे धरती पर आता है उसी प्रकार यह किरण भी मुख्य शीर्ष से आगे बढ़ता जाता है वह जितना चाहे उतना बढ़ता ही जाता है। उसको हम कब अधिक करने के लिए उसे बांध देते हैं तो वह किरण बन जाता है। अब मैंने उन्हें बताया कि जब वह हमें दो किरण बनाए तो उन्हें जो बांध लगा है उससे जो कोण बनता है उसे नाम तो चाहिए क्योंकि मनुष्य भी ऐसे होते हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के होते हैं वो एक ही प्रकार के नहीं होते उसी प्रकार कोण भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसलिए उस कोण को या उस किरण को उस मध्य शीर्ष को नाम जरूरी है। तो नाम कौन से देने हैं तो अंग्रेजी में जो अक्षर है ए से छेड़ तक उनमें से कौन से भी नाम हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए मैंने जो मुख्य शीर्ष है उसे बी यह नाम दिया और बाद में उससे जो रेखा खींची मैंने जो किरण किया उसे एक बी और सी नाम दिया और बाद में जो ऊपरी भाग में मैंने एक रेखा खींची उसे बी और ए यह शीर्षक दिया उससे एक कोण बन गया। अभी यह कोण है हम बढ़ा भी सकते हैं कम भी कर सकते हैं कि जो हमें जिस प्रकार चाहिए उस प्रकार हम कर सकते हैं। अभी मैंने और भी उन्हें बताया कि यह कोण है वो एक ही बाजू में नहीं बनाया जाता है हमें जिस बाजू में चाहिए उस बाजू में हम उन्हें बना सकते हैं। पूरब में बना सकते हैं पश्चिम में बना सकते हैं दक्षिण दिशा में बना सकते हैं और उत्तर दिशा में भी उसका वह कोण बनाया जाता है। और यहाँ हमें कोण हमने बनाया उसे हमें मापना भी चाहिए और मापने के लिए एक चांदा की जरूरत मैंने बच्चों को समझाई कि चांदा से उसे हम अच्छी तरह से माप लेते हैं। अरे यह चांदा है वह बराबर रेख बी सी के मध्य शीर्ष में हम रखते हैं और चांदा को हम जब इस्तेमाल करते हैं तो हम उसके जो शून्य अंश का वो अंश डिग्री सेल्सियस है उससे हम शुरुआत करते हैं और अंत में एक से अंत तक वह चांदा हमें यह कोण मापने तक मदद करता है। और बाद में जब हमें दूसरी दिशा से कोण मापना है तो हम फिर उसी चांदा का इस्तेमाल शून्य अंश से ही करना बच्चों को चाहिए। अगर उन्होंने एक से अंक से मापना शुरू किया तो उनका कोण मापक है वो उनका मोजना है वो गलत हो सकता है। इसलिए इस तरह